गई थी, लिखी गई, लिखित हुआ था। और इसी में पहली बार भारत देश में पंचवर्षीय योजना लागू करने की बात कही गई थी। इसी आधार पर इन्हें भारत में क्या कहा जाता है, योजना आर्थिक नियोजन का जनक, ये तो लिखे हो ना, जहाँ पर क्या कहते हैं भारत गवर्नमेंट प्लान चला था, पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, वही लिखाया गया होगा ये कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया भारत में आर्थिक नियोजन की बाइबिल मानी जाती है। इसी में इन्होंने कहा था कि भारत देश में क्या होना चाहिए, 10 वर्ष की एक योजना होनी चाहिए, समझ रहे हो। कहेगा कौन, देश का जो शासन प्रमुख होगा, अर्थात ठीक जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व, जो कर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा अर्थात प्रधानमंत्री, तो जैसे जनता उसे अपना मानती है ऐसे उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि उसके लिए वो कुछ करे, ठीक है। ये सुझाव दिया गया था इस किताब में। 3-4 प्रश्न, 4-5 प्रश्न हैं। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, एक प्रश्न। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो वो क्या कहते परियोजनाएं बनाई गई उसका प्रारूप किसने तैयार किया, एम विश्वेश्वरैया। इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1861 को, इनकी मृत्यु कब हुई, 14 अप्रैल 1962 को, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन के जनक कहे गए। और उसके बाद इंजीनियरिंग डे इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न, 1955 में इन्हें भारत में भारत के क्या उसमें भारत के थे लेकिन इन्हें नोबेल को सॉरी क्या था, भारत रत्न, 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 4-5 प्रश्न हैं इसमें, ठीक, कम से कम आज उनका दिन था तो आज याद कर लेते हैं। वैसे यार हमको भी नहीं था, ऐसा नहीं तलम बतला भाषण बता दिए, अभी बस में बैठे थे तो एक हमारे मित्र भेजे, तो मैंने कहा देखे थे सबने कहा नंबर है तो याद आ गया, हमने कहा उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 5-7 प्रश्न ऐसे हैं कि भारत देश में आर्थिक नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया, अच्छा दुनिया में आर्थिक नियोजन का जनक कौन था, आर्थिक नियोजन का जनक दुनिया में कौन था, हर जगह ऑप्शन ही देंगे। आर्थिक नियोजन का जनक विश्व में जिसे नहीं माना जाता, जोसेफ स्टालिन, ये कब दिए थे, 1928 में, रूस के रहने वाले थे। किसी भी देश के लिए पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए, उसे लागू करने की जिम्मेदारी वहां के शासन प्रमुख की होगी, ऐसा किसने कहा था, जोसेफ स्टालिन, ठीक। भारत में एम विश्वेश्वरैया 5-6 प्रश्न है, तो कम से कम ऐसे टीचरों का डे आता है, ठीक है, वैसे इंजीनियरिंग डे होता है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, ऐसे भी याद करो तो भी याद हो जाए, बात समझ रहे नहीं, लेकिन ये सब डे याद नहीं होंगे तो तुम्हारे जीवन के बड़े जरूरी डे हैं वो तुमको याद रहते हैं, ये सब नहीं याद रहे। चलो ये जहाँ पर पढ़ाया गया वहाँ लिखवाए होंगे पंचवर्षीय योजना, अब आगे क्या है उसमें, तेंदुलकर समिति पावर्टी का था ना, सुरेश तेंदुलकर, तेंदुलकर समिति, देखो क्लास से पहले भी हम बताए थे कि चाहे ये अपनी भाषा में, पहली चीज़ें याद रखो कि कभी ये कोशिश ना किया करो कि कहीं किसी किताब में जो लिखा है, जो लिखा होगा पहला जब हुआ था तब से वैज्ञानिक नहीं था। एक बात सीधी सी है, महेश बड़वाल की किताब पढ़ो, चाहे माजिद हुसैन की पढ़ो या फुल्लर की पढ़ो, सभी जागृति में लिखा है कि एक तरफ मान लीजिए सूर्य है, फिर चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, बात समझ रहे हो, अब ऐसे दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जिसके ऊपर इसका प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पर क्या लग जाएगा, ग्रहण, यही तो कहते हैं छिप जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि केपलर के नियम के सिद्धांत के अनुसार ही काम हो। सबसे बड़ी बात है कि इसी में जितने बच्चे हो, इसमें जो बच्चे एक बराबर के हों, 3 लोग, और उनको इसे खड़ा कर दो, अरे पीछे वाला अपना ऑटोमेटिक नहीं दिखाई पड़ेगा, तो जरूरी थोड़ी है कि जर्मन में जो केपलर ने कहा वो सिद्धांत सही है ब्रह्मांड का, वो भी तो इंसान था, बात समझने का प्रयास किया करो, साइंस ऐसे निकाली जाती है, ऐसा नहीं है कोई आदमी किसी चीज़ को करता है, रिसर्च करता है, उसमें निष्कर्ष आ जाता है, कहता है ये ऐसे 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 हो गया, बात समझे कि नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे मैंने एक बार बताया था कि वशिष्ठ नारायण बिहार के रहने वाले थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन की थियोरी को जब उन्होंने चैलेंज किया था तो कारण ये था कि जो तरंगे निकलती हैं रेडियस होता है, उन्होंने कहा ये गलत है जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, उसमें कुछ और हो सकता है, कारण ये था कि वशिष्ठ नारायण कहाँ के थे, भारत के थे,
बात समझे कि नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन वैश्विक स्तर बहुत बड़ा वैज्ञानिक, मामला बिगड़ जाता, भारत को अनुदान न मिलता, विवाद हो जाता, इसीलिए भारत वालों ने उनकी जो क्षमता थी उसको अपने आप ही यही रोक लिए। और आज का समय होता जैसे ये गवर्नमेंट का है तो ये गवर्नमेंट ले जरूर जाती वहाँ तक कि हमारा वैज्ञानिक सही है या गलत है, इसको वैश्विक स्तर पर साबित किया जाए। और बड़े कहते हैं मोडली, उन्होंने कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन की पूरी थियोरी सही नहीं है, बात समझे कि नहीं, वो भी तो बाद में चर्चा करती है। सुरेश तेंदुलकर समीर, सुरेश तेंदुलकर का जन्म हुआ था पुणे में, पुणे पड़ता कहाँ है, महाराष्ट्र में, सीधी सी बात है। अब चाहे ये समझ लो कि कोई बड़ा वैज्ञानिक कह दे, चाहे अपने मन से समझ लो, ऐसे जैसे मैंने सूर्य चंद्रमा को बताया, कभी भी कोई बड़ा आदमी, इसे कहा जाता है अमीर वर्ग, ठीक, और दो ही होते हैं, गरीब वर्ग होता है, कभी भी अमीर वर्ग से पूछा जाए गरीब वर्ग की डिफिनेशन क्या है, कभी नहीं बता पाएगा। अभी अंबानी के लड़के को बुला लो यहीं पर, उससे कह दो कि दो अक्षर में बताओ कि अमीर गरीब आदमी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दो घंटा नहीं उसे दो दिन लग जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि झोपड़पट्टी वालों को भी देखा है, अगर मलिन बस्ती जो बम्बई में है तो भी वो जानता है कि पैसा लेके शूट करते हैं, लोग को मारते हैं, दो दो चार चार लाख एक दिन में कमाते हैं, यहाँ से अफीम गांजा यहाँ से वहाँ शराब की तस्करी कर देंगे तो 4 लाख आ जाएगा, तो कहाँ गरीब है, वो उसकी ग्राफ्टिंग नहीं कर पाएगा। वैसे गरीब आदमी से कहा जाएगा अमीर आदमी कौन होगा तो ज़्यादातर क्या बताएगा, 2-4 गाड़ी होगी, 2-4 करोड़ रुपया होगा। गांव घर में तो ऐसा होता है ना, किसी के यहाँ 3-4 आदमी कमाने लगे और हर जगह जो चाहे वो कर ले गाँव में, तो हम जानते क्या कहते हैं, भैया इनके पास अकूत रुपया है। अकूत का मतलब है कि कोई उसका है ही नहीं, पता नहीं कितना है, जब उसके यहाँ गिन करके 1-2 लाख आता होगा, इसलिए कि वो अडानी और अंबानी का ग्राफ नहीं बना सकता, क्योंकि उसे उतनी संख्या नहीं मालूम जितना उनके पास धन है। ये सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहा करता था कि बुर्जुआ वर्ग जो होता है पूंजीपति, वो कभी भी छोटे वर्ग का ग्राफ एक उसके प्रारूप नहीं बना सकता, वैसे छोटा वर्ग बड़े वर्ग का प्रारूप नहीं दे सकता। ये तो बात उनका नाम हमने जोड़ दिया जिन्होंने कहा, लेकिन अपने हिसाब से समझा दो, ठीक है। वैसे सुरेश तेंदुलकर समीर समस्या ये थी कि रहने वाले पुणे के थे, पहली चीज़ तो परिवार इनका बड़ा अच्छा रहा पुणे के, उसमें लॉ कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, अर्थशास्त्री रहे भारत देश के, इकोनॉमिक्स के। समस्या ये हुई कि जब इनसे कहा गया कि जो भारत देश की पॉवर्टी है उसका डायग्राम बना के दो, तो जो इन्होंने डायग्राम बनाया उसमें बड़ा मतभेद हुआ, क्योंकि इन्होंने जो उसका बास्केटबॉल रखा, जो उसका मापदंड रखा, तो जो उसके मापदंड रहे वो मापदंड दोनों का बराबर कर दिए, कि अमीर के लिए भी ऐसा होगा गरीब के लिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इतना कर दिया जाए और शहर क्षेत्र के लिए। अभी जानते हो कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री, और देश का प्रधानमंत्री ज़्यादातर मध्य भारत से होता है, ये बात 2005 की है, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की एंट्री और अटल बिहारी वाजपेयी का बाहर जाना, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ के थे, ग्वालियर के थे, मध्य प्रदेश के। अगर ये बात किसी इंजीनियर से कहो, बहुत टेक्निकल आदमी से कहो कि ये ऐसे सैसे हो जाएगा तो चाहे माने, अब जब आदमी यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का नहीं यहाँ मध्य प्रदेश का, राजस्थान का रहेगा तो आदमी कैसे मान लेगा। योजना आयोग का पदेन चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष उसका पीएम होता है, तो ये भी जानते हो, एनडीसी जो होता है एनडीसी का सर्वाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, तो कैसे इनकी रिकमेंडेशन को मान लेता। उसने खारिज कर दिया, उसने कहा कि मैं किताबी बात नहीं मानता हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा है कि अमीर और गरीब में बड़ा फर्क होता है, और जो इंसान अपनी आंखों से देख ले तो कभी किसी किताब पर विश्वास नहीं करता। इनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया और इनके स्थान पर सी रंगराजन समिति का गठन किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आग्रह किया कि इसके बाद कोई समिति का गठन नहीं होगा भारत देश में, अब ये जो रिपोर्ट लगेगी इस रिपोर्ट के आधार पर नीलकांत डानेकर से लेकर अर्थात 1971 से लेकर 2012 तक अर्थात 14 में रिपोर्ट लगी, कहा गया कि यहाँ तक इतना कुछ हुआ है, पूरा डायग्राम बना के दीजिए, बार बार पॉवर्टी पर कोई समिति नहीं बनेगी, बस समझ आई। और उसके बाद यही एक आधार रहा, कुछ इनकी बातें कुछ इनकी बातें मानकर भारत देश में लागू कर दिया गया। लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए, एक प्रश्न आता है, पॉवर्टी का सही विभाजन किसके द्वारा किया गया था, वाई के अलग के द्वारा, 2100 कैलोरी प्लस 2400 कैलोरी। एक प्रश्न है कि भारत देश में पॉवर्टी का विभाजन, ऐसे मान लो यही लाइन आयोग पूछ ले, किसके द्वारा किया गया, वाई के अलग के द्वारा। एक दूसरा पूछा जाए, बीपीएल सूची का डायग्राम किसके द्वारा बनाया गया, प्रोफेसर डीटी
लकड़वाला के अनुसार, क्योंकि जो पिछली क्लास में लिखे उन्होंने कहा था गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग, शहर के लिए अलग होगा, शहर में भी दो वर्ग हो जाएंगे बीपीएल वाला। बस समझ लो एक लाइन में, अब चलो एक लाइन लिख लो, समझ में आया नहीं? और कम से कम किसका जो भी महापुरुष हुआ करे, अगर उनका दिन रहा करे तो थोड़ा सा उनके विषय में जरूरी है। लिखो, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा 2005 में, योजना आयोग द्वारा 2005 में चार गोल को रिकमेंड किया गया, हमने इसको देखा था, पांच था उसका, नवंबर 2004 में एक व्यवधान, बच्ची ने पूछा चार, नवंबर 2004 में वर्तमान अटल बिहारी की सरकार ने कहा था कि पॉवर्टी अर्थात गरीबी के संबंध में एक समिति का गठन होगा, उस समिति के अध्यक्ष होंगे सुरेश तेंदुलकर, ये अनाउंस हुआ था। इस समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में। योजना आयोग द्वारा 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कुल विराम लगाओ, फिर नीचे लिखो, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को नवंबर 2009 में सौंपी। आगे लिखो अगला पॉइंट करके, तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य डैश करो, इस बात का परीक्षण करना था कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, या घट रही है, या गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, प्रोग्राम लगा दो, इसे चाहे अंडरलाइन कर लेना। ठीक, देखो जब किताब लाओगे मार्केट से तो तुम्हें एक मिलेगा, संभवतः नेट पर भी चाहे मिले, इसीलिए कहा जाता है कि आज तक यूपीएससी को कोई पकड़ नहीं पाया। तुम किताब ले आओ मार्केट से, एनसीईआरटी नहीं, ये तो बिक रही है, वहां पर तुम्हें यही मिलेगा, गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, इस बात की जांच करने के लिए भारत में योजना आयोग द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन बहुत कम जगह तुम्हें ये मिलेगा कि इसके साथ जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, ये कहाँ पे लिखा है। और मैं तुम्हें खुद बता दूं व्यक्तिगत, इसको आज तक हमने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम्हें लिखाया इसलिए आईएएस ने 2010 के बाद जब पेपर डीपी अग्रवाल चेयरमैन थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट को लिखा था और उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया था कि एनसीईआरटी 1991 को ओपन करके देखो, वहां उस रिपोर्ट में दो शब्द लिखे गए हैं, गरीबी का बढ़ना प्लस जनसंख्या का बढ़ना और घटना, दोनों समझ लो, गरीबी का बढ़ना घटना और जनसंख्या का बढ़ना
घटना, तो उन्होंने एक व्यू दिया था कि तुमने नहीं पढ़ा तो उसमें उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन ये है और तुम क्या कौन सी किताब पढ़ते हो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। एक प्रश्न और है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम और उसके बाद एक नेशनल इनकम, एक पॉइंट ये है, ये भी सारी किताब में मिलता है कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, इसको तो मैंने बाद में पढ़ लिया था, इसको भी आईएएस ने पूछा था दोनों को प्लस करके कि राष्ट्रीय आय का पहला कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, तो निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट देने वाला वह कौन सा पहला व्यक्ति था, कौन थे, दादा भाई नौरोजी ही थे, क्योंकि वो बात उल्टा करके पूछ लिया था, क्योंकि प्रश्न वो बनाता है जो किसी को ना मालूम हो, बात समझे कि नहीं। तो दोनों है, गरीबी देश में घट रही है या बढ़ रही है, या उसके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या कमी आ रही है, इसकी जांच करने के लिए कौन सी समिति बनी थी, सुरेश तेंदुलकर। एक काम, ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ा करो, अच्छी बात है, लेकिन जब भी पेपर हुआ करे आईएएस का स्पेशली, जब एग्जाम हो जाए तो उनका जो प्रश्न आता है 2 नंबर का, उसमें प्रयास किया करो कि इन्होंने नई चीज़ें क्या डाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें वो डालता है जो कभी जीवन में सुने नहीं होंगे, बात समझ रहे नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी कभी मिल जाता है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा जो पूछा है, अगर साइंस वगैरह के हो तो साइंस की बात जान जाओगे, अगर आर्ट साइड के हो तो आर्ट साइड की जानोगे नहीं, जान नहीं पाओगे, ये सत्य है। तो पढ़ करके, और उसका सबसे बढ़िया एक हिसाब किताब है कि बराबर देता है, साइंस का जितना क्वेश्चन रहेगा उतना ही आर्ट का भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और वर्तमान का रिसर्च करके देगा उतने तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी देगा। आप ज़्यादा ज्ञानी ना बनिए, आप अपना जिस पार्टी के हो उस पार्टी को जब पलट करके पढ़ के और टिक लगा दो, काम खत्म, इतने जानता है, और 50% मेंस दे देते हैं 52% लोगों, इससे ज़्यादा कोई सही नहीं कर पाता, और कोई कह दे कि हमारे 99 सही है, भगवान ने अपना है प्रश्न ये होता है, क्योंकि पेपर ऐसा, इसीलिए जब वहाँ से कोई पेपर हुआ करे तो देख लिया करो, और आईएएस का ही नहीं वो कई पेपर कराता है संघ सेवा आयोग, नई नई चीज़ें उसमें डालता रहता है, और कारण क्या है कि उनके पास जो व्यक्ति हैं ज़्यादातर विद्यालय के प्रिंसिपल या किसी विभाग के एक्सपीरियंस होल्डर, वो जो फार्म निकालता है वो लिखता है आप किसी जगह पर कम से कम 10 से 15 साल तक कार्यरत रहे, ठीक, वो आदमी आवेदन करता है, एक वर्ष में एक बार उसे मेहनत करवाता है, 12 महीने तनख्वाह देता है, एक पेपर उसे साल भर में बनवाता है 100 नंबर का, और तनख्वाह पूरे साल देता है, और उस एक प्रश्न का 300 रुपया देता है, जो प्रश्न बनाया जाता है, अब इतने बड़े हो गए, भगवान इतना बल दिया है, समझ सकते हो कि 300 रुपया मिले या 1.25 लाख सैलरी मिले तो आदमी किस स्तर का वो पेपर रखेगा, बात देख लें, वो पेपर करते हैं, इसीलिए जब वो पेपर हो जाए तो अब तक तो नेट का जमाना है, पेपर तो शाम को आ ही जाता है, देख लिया करो, और इसके बाद कोशिश ये किया करो कि जो सर लोग बताते हो तो ध्यान दो, लेकिन आजकल कुछ सर लोग ऐसे भी हैं ज्ञान नहीं है लेकिन चलता सही है, अरे उनके हिसाब से ही चलता सही हो जाता है, तुम किताब ले लो, किताब से लगाओ। इस बार PCS का जो पेपर आया था शाम को याद नहीं है, हालांकि ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने भी अगर देखेंगे बताएंगे, एक व्यक्ति था उसने PCS का पेपर हल किया था UPSC का, उसके 25% जो उसने आंसर लगाया सही नहीं था, क्योंकि आयोग का जब आंसर आया तो गड़बड़ हो गया था, क्योंकि किताब लगाना चाहिए किसी के साइड से नहीं, ठीक है। चलो क्या लिखे हो इसमें, थोड़ा भौतिकवादी बनो, जैसे रिक्वायरमेंट है समय की पति हो जाए सिलेक्शन, और उसका फॉर्म आ रहा है ना, एक वीओ कौन सा है आने वाला है, एक समीक्षा अधिकारी का है, कौन APS का है ना, उसका अपर निजी सचिव वाला आ रहा है, 300+ है, इसमें एक ही बात है कि शॉर्ट हैंड जिसको मालूम हो सबसे बड़ी बात है, और जिनको लग रहा हो जो तैयारी कायदे से कर रहे हो तो शॉर्ट हैंड के लिए कहीं ना कहीं देख लो, व्यवस्था कर लो, अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी पेपर कराएगा तो मेंस कराएगा, बात समझ रहे, उसके बाद कराएगा, अंतिम समय रहेगा, बड़ी अच्छी नौकरी होती है, मिनिस्टर के साथ रहना पड़ता है, अभी तो जानते हो मिनिस्टर के साथ क्या कह रहे शॉर्ट हैंड, हाँ, लेकिन ये है कि इसमें जो है शॉर्ट हैंड उन्होंने पहले से लिख के दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट शॉर्ट हैंड है, तो आप थोड़ा सा देख लो, और पेपर PCS के बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा माइनस आएगा, लेकिन 300 ये अभी दे दिए हैं ना कि हमारे पास 300+ सीटें हैं, तो हो सकता है चलो प्लस तुम ना समझो तो 300 देंगे ही, और इसका एक सिस्टम है 2003 2013
और उसके बाद 2023 ये पता नहीं कौन सी गणित बैठाएं हैं, इधर 10 साल में निकाल गए, 13 में आया तो नहीं हो पाया, फिर 23 में निकाल रहे हैं, लेकिन आएगा जरूर, इलेक्शन का समय है, तो देख लो। चलो क्या लिखे हो इसमें, ये जो लिखे हो ना गरीबी का बढ़ना जनसंख्या का, इसे अंडरलाइन कर लेना। अब अगली लाइन से लिखो, अगले पॉइंट से पहले लाइन से लिखो, उसके आगे इस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त अगली को 6 बुनियादी आवश्यकताओं 6 बुनियादी आवश्यकताओं विदेश करो उसके आगे लिखो शिक्षा स्वास्थ्य तो तीसरा लिखो बुनियादी संरचना स्वच्छ वातावरण मनोरंजन और दूसरे टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया गया और दूसरे टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया गया कितना हो गया इसमें 6। अब सुनो, इन 6 को कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है पूछा गया था कि पॉवर्टी संबंधित जो समिति बनी थी, हमारे आवश्यकता के तत्वों के अलावा 6 चीजें और होनी चाहिए, ये सिफारिश किस समिति की थी, सुरेश तेंदुलकर की। इन्होंने ये कहा था स्वच्छ वातावरण हो, शिक्षा हो, ये हो, ये तो ये क्या कुल मिलाकर जानते भी हो, ऐसे भी अगर मान लो आदमी पढ़ा लिखा रहेगा तो अच्छा सोचिएगा क्या करे। नहीं नहीं नहीं, ये सचिन उनके, ये सचिन जो थे उनके पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर, ये सचिन ना जो खेलते हैं, इनके पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर, वो हिंदी के प्रवक्ता थे बम्बई में, और ये दूसरे थे। अच्छा एक प्रश्न और याद आया, चाहे लिख लेना, सुरेश तेंदुलकर अपनी समिति, इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी, समिति के गठन से पहले प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं। समय बता दे तुमको, 2004 से लेके 2008 तक, ठीक, 2004 से लेके 8 तक ये प्रधानमंत्री कौन सा बताए आर्थिक सलाहकार परिषद। अगर कभी पूछा जाए निम्नलिखित में से, भाई सबका नाम दे दिया जाए, भाई की अलग का नाम दे दिया जाए, नीलकांत दांडेकर का नाम दे दिया जाए, और ये कह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री ही दे दिया जाए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य रहा, कौन थे इसमें, सुरेश तेंदुलकर। एक प्रश्न दूसरा, 4 हो गया, इसके बाद 4 के अंतिम समय 5 से लेकर 2008-09 तक, 9 तक ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के, अर्थात ये कह सकते हो कि वर्तमान भारत देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए, पहले मेंबर हुए उसके बाद अध्यक्ष हो गए थे, ठीक। अध्यक्ष इन्होंने किसका स्थान लिया था, श्रीरंगराजन उस समय राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए थे और इनको उनकी जगह पे मनोनीत कर दिया गया था। ये प्रश्न कभी कभी इसमें पूछे जाते हैं, एक बार ऐसे कोई लेबर के लिए आया था, श्रमिक के लिए, उसने पूछा था कि इसमें कौन सा प्रधानमंत्री श्रमिकों के लिए एक पार्टी बनाया था, बड़े अभूल प्रश्न पूछ लिया करता है आयोग कभी कभी, पसंद है उसमें।
कि ऐसे याद करना कि सुरेश तेंदुलकर अपनी समिति जो गठित हुई इससे पहले क्या थे, आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, और उसके बाद जब सदस्यता से त्याग पत्र दिए थे इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद का चेयरमैन लिया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और जब ये उसके सदस्य हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलो आगे लिखो अगला पॉइंट, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी, अगला पॉइंट है तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही मापदंड ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही मापदंड का प्रयोग किया, एक ही मापदंड का प्रयोग किया तथा तथा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग, ये अंडरलाइन करना, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा का मापदंड माना, गरीबी रेखा का मापदंड माना। नीचे लिखो, नीचे लिख लो एक लाइन, नोट में लिखो, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक अर्थात प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार माना, लागत अर्थात प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार माना, आधार माना। अगली लाइन से लिखो, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च गरीबी का आधार माना, बोल गया नीचे लिखो अगली लाइन से, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विवाद हुआ, जिसके कारण इनके द्वारा निर्धारित की गई विवाद हुआ
एक बात क्या लिखे, इनके द्वारा निर्धारित की गई गरीबी रेखा के मापदंड को खारिज कर दिया गया। निर्धारित की गई गरीबी रेखा के मापदंड को खारिज कर दिया गया तथा वर्तमान सरकार द्वारा वर्तमान सरकार द्वारा 2012 में वर्तमान सरकार द्वारा 2012 में श्री रंगराजन 2012 में श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया। श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देखो सारी चीजें इनकी सही रही, बुनियादी छह बात कहने वाले पहले व्यक्ति रहे। इंसान को अर्थात जो भी चीजें आज तक सभी समितियों ने कहा वो जरूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त छह चीजें और होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें बच्चे बचपन से मिले, एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए, सारी चीजें सब सही रहा। एक पॉइंट में फंसे थे, इन्होंने कहा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जीवन निर्वाह लागत। अब देखो एक परिवार के हिसाब से समझो, बात समझ जाओगे। भारत देश एक परिवार की तरह समझो, या अपने परिवार को ले लो, अपनी फैमिली को ले लो। अब आपकी फैमिली में ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो 10,000 कमाते होंगे, कोई 5,000 कमाता होगा, कोई 2,000 कमाता होगा। ना भैया तुम्हारे तुमसे अलग हैं, ना पिताजी तो अलग हो ही नहीं सकते, ना छोटा वाला भाई अलग है, ना बड़ा बगल वाला है, जो भी हो 3-4-5 लोग, कितने लोग हो, सारे लोग सही हो एक उसी घर में। अब ये कहा जाए कि तुम्हारा मापदंड इस हिसाब से निकाला जाए, एक आदमी तो 10,000 कमाएगा, ठीक है, वो अरहर की दाल खाएगा, तो 5,000 कमाएगा, उड़द की दाल खाएगा, और जो 2,000 कमाएगा खाने नहीं खाएगा। हो तो हो, पापा जी का अगर नाम चलेगा पिताजी का, तो वर्मा जी, पंडित जी, जो भी हो, यादव जी कहे तो जाएगा ना, उनका परिवार है। लेकिन एक ही परिवार में चार आदमी चार रंग से, तो परिवार कहाँ रह गया, वो तो अलग अलग हो गया ना सोसाइटी उनकी। तो भारत देश अब समझो, भारत देश है क्या, अखंड है, यूनियन है, कई देशों का संघ है। फिर ये कौन सा मापदंड हुआ कि एक स्थान पर आदमी के पास वस्त्र नहीं है तन ढकने के लिए, और एक स्थान पर इतना ज़्यादा पैसा है कि आदमी वस्त्र से तने नहीं ढक रहा है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह के डबल सिचुएशन कहाँ से पैदा हो सकती है। तो ये देखो बड़े लोग थे भाई, वहाँ पुणे में पढ़े हुए थे, पहले लॉ किए, इकोनॉमिक्स से PhD किए, आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हुए, तो इन्होंने बहुत नीचे से नहीं देखा था। तो ये जो इन्होंने लगाया कि नहीं, जो आदमी, इनका भी कहना सही था कि आदमी की ये जरूरत होती है रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर उसमें कोई कमी आ जाए उसे हम गरीब मान लें। अब तुम्हारी रोज रिक्वायरमेंट है मान लीजिए पनीर खाने की, तो ये तो तुम्हारी लत है ना, तुम्हारी आदत है, तुम्हारी शरीर थोड़ी ना मांग रही है, यही रिक्वायरमेंट, ये जरूरत पर फंस गए थे। क्योंकि इससे पहले जितनी समितियां बनी उन्होंने ये कहा था कि शरीर के लिए चलने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए हमको, वो जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसने क्या कहा, पूरा शरीर ढकने के लिए वस्त्र, जीवन जीने के लिए भोजन, और आराम करने के लिए छत, तीन कॉन्सेप्ट 1990 का। तो फिर चौथा कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ गया कि अगर कोई ऐसा आदमी हो जो लग्जरी जीवन जीना चाहे, अब उसकी लग्जरी जीवन में कल वो क्या कहते हैं, कौन सी गाड़ी आई है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ी अब तो आने लगी है, अब उसकी रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाए, बहुत गाड़ी आई है, जैसे रेंज रोवर है, अब बताओ 80-80 लाख एक करोड़ की गाड़ी है, 2.5 करोड़ की। अब कोई ऐसा आदमी तुम्हारे साथ का ही हो, इसी देश का, देश अगर हमारा घर है, तो बगल में एक लड़का कह रहा है कि अगर 2,000 हमें मिल जाए तो साइकिल वाले को दे दें, तो ईमाई ले लें, या अपने व्यवहार को कह दें कि 2,000 बाद में दे देंगे। आना दोनों लोगों को CSN ही है, रेंज रोवर भी पढ़ने आएगा, रेंज रोवर वाला भी, साइकिल वाला भी। तो इस तरह का डिवाइड एंड रूल भारत देश में नहीं हो सकता। इसी बात को वर्तमान प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री क्या कहता है, उसकी जो सलाहकार परिषद के लोग होते हैं
वो समझाएं कि तुम्हारी रिकमेंडेशन जो है उच्च वर्ग के लिए है, निम्न वर्ग में लागू नहीं हो सकती। और सरकार का मैंने पॉइंट लिखाया है ना, सरकार में विवाद हो गया और इतने बड़े तुम लोग हो ही गए हो, देखते हो ना, विवाद की बात छोड़ दो, बहुत जूता लात मारने लगे, चप्पल तक से मारते, इतने समझदार है वहाँ पे, अरे सांसद विधायक किसी बात को, तो वहाँ क्या क्या हुआ होगा तो भगवान जाने, या तो जो वहाँ रहा होगा, हम सब तो मान लो पढ़े हैं वहाँ कुछ ने। इसी आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई समिति का गठन किया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, सी रंगराजन। बस हालांकि ये भी गलत नहीं थे, इन्होंने बात कही थी कि कह दिए थे कि जो आदमी जिस तरह से रह रहा है उतनी रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए, पकड़ लिया होगा उसी में कोई बात कि भाई साहब अगर तुम रोज पूरी पराठा खाते हो तो क्या रोज खाओगे क्या, तो कुछ आदमी तो गरीब भी हैं, उसी में पकड़े गए और ज़्यादा विवाद होने लगा, रिकमेंडेशन को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दी, क्योंकि उसको भी तो सरकार सत्ता में रहना है, इलेक्शन तो होने वाला है, तो कितने बचे वहाँ का सेंट्रल इलेक्शन पर होगा फरवरी में, फरवरी मार्च शुरू हो जाना चाहिए, आचार संहिता लग गए, पहले कोई वैकेंसी आ जाएगी फंस जाएगी, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। चलो आगे लिखो, यहाँ पे नहीं आएगी तो फिर आगे लिखो सी रंगराजन। हालांकि संघ सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की दो संस्थाएं ऐसी हैं जो निरंकुश कार्य करती हैं, अर्थात इन्हें आज़ादी दी गई है, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले अगर शासन के द्वारा जो भी इनके पास अधियाचन आ जाए उस अधियाचन को, उस नोटिस को जारी कर सकते हैं, लेकिन जब आचार संहिता लग जाएगी तो कोई सरकार के द्वारा अधियाचन नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर कोई अधियाचन प्राप्त कर चुके हैं उस वैकेंसी को रिलीज कर सकते हैं। ये इतना अधिकार क्षेत्र में है इन दोनों के, लेकिन जानते हैं राजनीति का मैटर होता है, कोई करता होता ठीक है, पता लगे कि बैठा लिया गया। आगे लिखो श्री रंगराजन, अगली समिति जो बनी थी, अब उसके नीचे लिखो हेडिंग की बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग, पहले हेडिंग बनेगी श्री रंगराजन, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ब्रैकेट में क्या कहेंगे उसे, एफ ए ओ, मतलब लिख लो, फिर आगे लिखो उसके गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या, उसका क्या लिखे हो, का भाग या के भाग खाद्य एवं कृषि संगठन गरीबी का आकलन, उसका क्या लिखे हो, बस ये उपभोग के पोषण मूल्य, ये लिखे हो ना अंडरलाइन कर, आगे लिखो अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है, अर्थात कैलोरी मूल्य के आधार पर करता है, कमा लगाओ बस। सी रंगराजन ने जब उसका गठन किया गया इनकी अध्यक्षता में समिति का, तो इन्होंने पहला पॉइंट इन्होंने यही लिखा कि दुनिया में गरीबी का आकलन जो करती है संस्था वो कौन सी है, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इसका जो गरीबी का मापदंड क्या कहते हैं तैयार करने का तरीका है उसका आधार क्या है, कैलोरी अर्थात उपभोग के लिए पोषण मूल्य लिखे हो ना, ठीक, जो तुम्हें जरूरत है एलिमेंट तत्व की जीने के लिए, यही वो माप खा गए थे। इन्होंने कहा कि जीवन निर्वाह के लिए, हमारे जीवन को चलने के लिए जरूरी है वो जरूरी, इन्होंने कहा नहीं, हमारी शरीर को जरूरी जितना है उतना, जीवन चलने के लिए तो बहुत आदमी के पास रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी तमन्नाएं होती है ये कर ले वो कर ले, लेकिन उतना नहीं, जितने में हम चल सके और जिस कार्य में लगे हैं, किसान हैं गांव में रहते हैं 2400 और शहर में 2100, इतनी कैलोरी हमारे लिए सफिशियंट है। इन्होंने यही आधार माना कि अगर एफ ए ओ कहता है कि कैलोरी ही गरीबी आकलन का कारण बनेगा
जीवन निर्वाह लागत का जो सुझाव दिया श्रीरंग वो कम क्या नाम बनकर सुरेश तेंदुलकर ने वो सही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दे दिया इन्होंने ऐसा किया। अब आगे लिखो जहाँ कामा लगाए हो उसके आगे लिखो, इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति के स्थान पर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ठीक। अब अगली लाइन से लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो, सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अगला पॉइंट लिखो, समिति ने अपनी रिपोर्ट 2014 में योजना आयोग को सौंपी। आगे लिखो, रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। तथा रंगराजन समिति ने 2011-12 में 29.5% तथा 2011-12 में 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार का सुझाव सरकार को पेश किया। और वही कहीं चाहे लिख लो, अब तुझे पूछा जाए कि श्री रंगराजन के अनुसार भारत देश में कितने % गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, अब वही चाहे लिख लो तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत देश में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। अपने हिसाब से लिख लो, तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे और श्री रंगराजन के अनुसार 29.5। ये आप प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, कई बार पूछा गया दो लोगों ने नाम निर्धारित करके श्री रंगराजन ने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा, ठीक है। हालांकि योजना आयोग ने 29.5 को खारिज कर दिया, उसने कहा कि 30% लोग गरीब नहीं है हमारे यहाँ,
किसको माना था उन्होंने? तेंदुलकर समिति को। वर्तमान में मनमोहन सरकार ने कहा कि 21.9% ही लोग भारत देश में गरीब हैं। ठीक है, चलो यही पे जानते हो। आगे लिख लो, तुम पूरा अच्छा लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, रंगराजन समिति के अनुसार बताइए, रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का 30.9% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4 शहरी जनसंख्या का 26.4% आगे लिखो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। शहरी जनसंख्या का 30.9 और शहरी जनसंख्या का 26.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करते हैं। आगे सॉरी 26.4 ये किसका है? श्री रंग राजन का। अगली लाइन से लिखो, रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा माना। ₹972 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च को गरीबी रेखा माना। अरे ₹50 बड़ा बढ़ देगा, है ना? यही हुआ शहर वालों के लिए। अति ये इसमें 33 जो भी हो 33 तिहाई देख लो तो नहीं हुआ लमसम, तो ₹32 के आसपास का तो एक रेशियो दिया गया, एक शहर में 50 रुपया और गांव में 30-32 रुपया इस्तेमाल लिया गया। गाँव प्रति माह हमको गरीब माना जाता है, सोचो जो आदमी जिस सोसाइटी में नहीं रहा है ऐसे मानी कैसे समझे। आज के समय में ऐसे ऐसे परिवार है, मिडिल भाई हाई क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1000-2000 पर डे का खर्च है बिजूल का, फिर भी उनका BPL कार्ड बना हुआ है, अरे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। बाहर VIP शहरों में चले जाओ, VIP क्या ऐसे ही अनुसंगी शहर जो हैं जैसे लखनऊ है राजधानी या कोई और शहर हो अच्छा यहाँ पे आस पास में, तो वहाँ पर देखो तो हमें लगता है कि अगर इसकी भी एक गणना की जाए कि वहाँ पर कितने परिवार इधर ऐसे हैं जिनके यहाँ शाम को अर्थात रात में वहाँ की महिलाओं के द्वारा भोजन बनाया जाता है तो 1/3 कम से कम आएगा पैसे का ज़्यादा होना। अपने यहाँ नहीं, जैसे हमारा जैसे जिस जिला है जैसे ये जिला है ये सब ग्रामीण स्तर है, बड़े स्तरों की कंडीशन यही है, बस समझ रहे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन शाम का बाहर करते हैं क्योंकि अगर 4-5 बजे के बाद टहलने चले गए तो फिर लौटने के बाद भी खाना नहीं बनना है, ये तय है, क्योंकि कोई रहता नहीं है उनके साथ जो उनके ऊपर एक अंकुश लगा सके, है ना? रहने वाले कौन? वही पति उनकी पत्नी, बस काम खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा यही विजय उनकी क्या नाम था जो कर समिति बनी थी, वो कौन सा था उनका? चिल्लैया समिति एक बनी थी, है ना? राजा चिल्लैया ने यही तो कहा था कि भारत देश में आर्टिफिशियल अर्थात होम डिलीवरी की व्यवस्था चालू की जाए और उस पर टैक्स लगाया जाए। वर्तमान की सरकार को बड़ा बड़ा खराब सुझाव लगा, धर्म बिहारी वाजपेयी ने कहा उल्टे सीधे सुझाव देते हो, उन्होंने कहा सर इसको अप्लाई करने में क्या आप दिक्कत है,
अरे चलेगा तो चलेगा, नहीं खत्म कर दिया जाएगा। कोई अर्थशास्त्री अगर इतनी बड़ी बात कहेगा तो राजनेता सोचेगा जरूर, और उसको लगाया गया, आज देखो सफल है कि नहीं है, पैसे पैसा है। एक दुकान को चले जाओ, यही पूरी सब्जी ले आओ, 20-25 रुपए का दे देगा, यहीं पढ़ाई करो और ऑर्डर कर दो, 50 रुपए से कम का नहीं पड़ेगा। लोग एक जूता कपड़ा खरीदने नहीं जाएंगे, मॉल मॉल चले जाओ, हाँ रोड किनारे जाएंगे नहीं, ऑनलाइन कर देंगे, वो भी 50 रुपया कहने का मतलब राजा चिल्लैया ने जो कहा गलत नहीं कहा, उसने कहा टैक्स बढ़ जाएगा, अस्तर बढ़ जाएगा भारत देश का, क्योंकि इंसान बेवकूफ़ नहीं रह गया, दो तरह के इंसान रहने लगे हैं, एक तो काम चोर टाइप के जो उठना नहीं चाहते गूगल पे वाले, एक आदमी कि अगर यहाँ से मार्केट तक जाएंगे तो 50 का फायदा होगा हमारा, लेकिन 500 का हमारा आने जाने में नुकसान हो जाएगा। तो ज़्यादा ऐसा कोई आदमी वर्कआउट कर रहा हो बढ़िया, जैसे हम ही हैं, चलो तो ऑनलाइन सिस्टम है। अभी ये एक घंटा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पूरा मूल्य मिलना है। अभी सब अगर हमारी जेब से 400 रुपये चला जाए तो हम मूर्ख नहीं है, लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद अंग्रेजी बताएं यहीं पर बैठ कर, इतने जाए पकड़ पनीर पकौड़ा लेके आओ, हमसे बड़ा मूर्ख है कोई? अरे का हमारे पैर हाथ में क्या हो गया है, चिमटा लग गया, हम जा नहीं सकते चौराहे तक? एक पनीर पकौड़े की जिसकी कीमत 50 रुपया है उसको ऑर्डर करके हम 150 में काहे मंगाएं? लेकिन 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नेसेसरी पड़ जाए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो हम दे सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 घंटे का समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सही है कि ऑनलाइन कोई काम करता है आदमी जिससे उसे सर्विस चल रही है वो ऑनलाइन मंगा ले। अब बताओ खटिया में लेटे हो, खटिया कुर तोड़ रहे हो, चारपाई भी गाली दे रही है, उसके बाद ही मोबाइल ले करके सामान ले आओ, राजा हो कहूँ के का है, कहीं कहीं एम्पायर है तुम्हारा, ये गलत चीज़ है। यही सुझाव दिया था राजा चिल्लैया ने कि भारत देश में ऐसे भी आदमी हैं जो काम करते हैं, उनके लिए उनकी सहायता हो जाएगी और काम चोरों का पैसा कम हो जाएगा और सरकार का बोझ बढ़ जाएगा, इससे इकोनॉमिकल कंडीशन भारत की ग्रोथ कर जाएगी। यही सही है, हाँ तिलैया समय उसमें तो ना रहा होगा संभवता, क्योंकि जो कंपनियां आई हैं प्राइवेट हुई है ज़्यादा, लेकिन उन्होंने सुझाव जो दिया था सही दिया था, काय सही नहीं है। बहुत बढ़िया, नाम लिखते थे जे, उनका नाम राजा नहीं थे, उनका नाम इधर प्रोफेसर राजा चिल्लैया। अब कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा जीवनी नहीं पड़ी है, जितने पुराने लोग हैं ना ज़्यादातर अपने पिताजी का नाम लिखा करते थे, तो जहाँ तक उनका इतिहास है उनके पिताजी किसी एम्पायर के राजा नहीं थे, वैसे नाम रख लिए होंगे, जैसे आप नारकली गांव में रखते हैं तो उन्होंने नाम रख लिए थे। चल अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जरूरी था, इक्का लगाने की बात किसने कही थी? प्रोफेसर राजा चिल्लैया ने। अब वो क्या कैसे थे ईश्वर जाने, ये तुम्हारी सभी। अच्छा हाँ एक कहानी और शुरू हुई थी 2012 में, जब 2012 में ये FAO की जब बात आई थी कि फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ही गरीबी का आकलन करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक उसी समय जो रिपोर्ट लगाई गई 30.9 वाली बाद में, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब UNO गए थे तो हमारे यहाँ पे जो टॉप करता था हाई स्कूल का लड़का, आज अभी छोड़ दो, आज से 15-20 साल पहले चले जाओ तो पूरे विद्यालय में एक या दो लड़के फर्स्ट डिवीजन पास हुआ करते थे, 5 से 7 बच्चे सेकंड, बाकी 15 बच्चे तक थर्ड, उसके बाद किसी का रोल नंबर ही नज़र नहीं आता था, सब फेल, यही था सिस्टम ना। उसके बाद समय प्रणाली बदली, डॉक्टर मनमोहन सिंह बाहर गए, हमारे यहाँ IIT में टॉप करने वाला 72 से 78% के आसपास जो मार्क्स पाता था वो टॉपर माना जाता था IIT रुड़की में, और सीधा कनाडा और USA चला गया, ज्ञान उसके पास बहुत था, देखने में नंबर कितना है 78, तो 100 में से कितना कम पड़ रहा है 22, इसका उपहास किया गया, इसका मजाक उड़ाया गया, किसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उनसे कहा गया कि तुम्हारे यहाँ का तो टॉपर लड़का नंबर कितना पाता है 78, और हमारे यहाँ जो तो सबसे निम्न कोटि का है वो 78 पाता है, और हमारे यहाँ का टॉपर कितना पाता है 98, 97, 99। मनमोहन सिंह आने के बाद पहली चीज श्रीरंग राजन समित की जो रिकमेंडेशन थी कुछ लागू किए, कुछ खारिज किए और भारत देश में लागू करवा दिए। दूसरी बात उन्होंने एक बात कही
इस पर उन्होंने अमल किया कि आखिर हमारे यहाँ से क्या कंडीशन है कि नंबर कम मिलते हैं उनके यहाँ ज्यादा। तो कारण क्या है, अपने यहाँ एक तो जानते ही आप लोग, अगर पूछा जाए भारत देश को बर्मा, भारत देश से बर्मा को किस वर्ष बाहर किया गया या अलग किया गया, या मान लीजिए यही है x प्लस वाई बराबर दो और एक्स माइनस बराबर थ्री, ये जो सिंपली ये है समीकरण इसको हल करने के लिए। हमारे यहाँ नंबर तब मिलेगा जब इस दोनों को साल्व कर लोगे, अंतिम में तुम्हारा आंसर आ जाए। बात समझ रहे हो नहीं, बात समझना। यहाँ पर लिखोगे पूरा 1935 के एक्ट के अंतर्गत दुनिया भर की कहानी अलग किया गया ये हो, अंत में लिखोगे कि निष्कर्ष ये हुआ। मतलब जब तक उत्तर नहीं आ जाएगा तब तक तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। ये पहले था, जैसे कि पहले ये था कि सवाल आदमी हल करता था, जैसे इसी को काट दो 2x हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, x बराबर 5/2। तो कहने का मतलब कि इसका जब ये आंसर पूरा आ जाए तब तुम्हें मार्क्स मिलेगा, और यहाँ तक अगर कर ले गए और तुम्हारी छुट्टी हो गई, मान लीजिए बेल लग गई, कॉपी जमा हो गई, तो टीचर क्या करता था, काट देता था। तो नंबर हमारे 78 नहीं होंगे, तो तुम्हारे 99 होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ यहाँ तक का भी नंबर दिया जाता है, उनके यहाँ यहाँ तक का भी नंबर दिया जाता था। इतना हल कर लिए, 10 नंबर का है, एक लाइन में दो नंबर 4 2 6 6 मिल गए, 10 नहीं मिले, 6 तो मिले। और हमारे यहाँ कटिंग इतनी गड़बड़ होती है 80% में, तो काफ़ी चेक हुई, और यहाँ तक हम लिखे तो नंबर क्या मिले, कुछ नहीं काट दिया। हमारे यहाँ का 78 रुपये 100 पर भारी पड़ेगा, ये तो जानते हो। लेकिन उन्होंने ये माना नहीं, मनमोहन सिंह ने आने के बाद यही बात कही थी कि सिलेबस को कम कर दिया जाए और नंबर इतना दिया जाए जितना लोग लिखते हैं। जानते हो क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एकेडमी तुम्हारा आसान कर दिया गया, कंपटीशन सही कर दिया गया। यह एक क्वालिटी है कि नौकरी नहीं मिल रही है और MA की डिग्री ले बहुत लोग टहल रहे हैं। एक उनको एक बात लग गई, जो भी रहा हो, कोई घसियारे नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्र इतने बड़े ज्ञानी रहे, किसी आदमी को कह दो भरी सभा में उसे कैसा लगेगा। तो उन्होंने आने के बाद एक रूल्स लगाया और किताब के सिलेबस को आधा कर दिया गया। वर्तमान में कोई बच्चा अगर हाल ही में पास हुआ तो बताए इंटर में कितनी मैथ की किताबें हैं, 2 किताबें जहाँ तक हमें पता है। जब हम इंटर किए तो 6 किताबें थी, अर्थमेटिक्स थी, अल्जबरा थी, कैलकुलस थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, डायनामेटिक्स थी, स्टेटिक्स थी, 6 किताबें लगती थी। अभी 6 किताबें मैथ की पढ़ डालो तो जीवन में क्या तुम्हें मैथ की कोशिश करने की आवश्यकता है। अरे जब तुम अब पढ़ रहे हो 2 2 4 उसमें ये लिखा है कि 2 का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और 2 को खत्म कब किया गया, इतना ज्ञान हो जाएगा तो कहाँ की कोचिंग करोगे। यही कारण रहा तुमको नौकरी मिल गई, यही कारण है कि अब नौकरी लोगों को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ें तुम्हारी कमज़ोर हो गई, तुम्हारे पास डिग्रियाँ ज़्यादा आ गई। अब इसको अपने हिसाब से चाहे जो समझ लो कि उनकी बुद्धिमानी रही या बेवकूफ़ी रही, ये अपना अपना एंगर है, सोच रही बहुत कम कर दिए सिलेबस। अब देखो एक सिलेबस और कम, इतिहास का मिडाइवल, मिडाइवल में मुगल काल खत्म कहानी। चलो अब पढ़ने के व्यू से, हिंदुस्तानी के व्यू से तो अच्छा हुआ कि चलो कौन पढ़े, क्योंकि औरंगजेब जो बहुत परेशान किया लोगों को। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चलो परीक्षा में भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन में तो मुगल काल खत्म नहीं किया गया, एकेडमिक में खत्म किया गया। अब तुम पढ़ना भूल जाओगे, और आयोग में कोई मान लीजिए उसी बिरादरी कोई बैठा हो, भना भन 10 क्वेश्चन डाल दे, उसके विशेषाधिकार में उसको काटा तो जा नहीं सकता। अगर भी उसने 10 क्वेश्चन डाल दिया है तो चेयरमैन तो दस्तखत कर देगा, क्योंकि अगर उसे काटेगा तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आदमी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं है तो पूरी कैबिनेट भंग की जाएगी, किसने इसको अपॉइंट किया, कपड़ा लंबा हो जाएगा, गवर्नर तक बात पहुंचेगी, इसीलिए उसके क्वेश्चन बराबर बने रहेंगे। और ऐसे ही लोग पूछा करते हैं, जो हम पढ़ना छोड़ देते हैं उसी को प्रश्न बना देते हैं, बात समझे, और फेल करके बाहर कर देते हैं। तो कुछ लोग हम लोग की तरह मानने लग जाते हैं, कुछ लोग करने लगते हैं। चलो एक दोस्त ये हो गया, इतना एक बात आई तो बता दिए, ये खत्म हो गया तुम्हारा पॉवर्टी का सेगमेंट कंप्लीट हुआ तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा क्या है बताओ, सिलेबस तो तुमको रोज मिलता, अरे टॉपिक तो मिलता है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी होगा ना, पॉवर्टी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो सोशल सिक्योरिटी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ यही तो वहां से आया है आयोग से ना, अब तो यहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है भाई, वो लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं समाज कल्याण से, वो पूरा सिलेबस निकाल लिया UPSC का, UPSC का, और जितना उनको जरूरी है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही पढ़वा रहे हैं, क्योंकि इतना नहीं पढ़वाएं कोई भी है जो मन हो उनका पढ़ा के चला जाएगा।
एक चीज, दूसरी प्रत्येक लेक्चर को उन्होंने निर्धारित किया है आप 6 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए और 6 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। भैया एक बात याद रख लो, चाहे इतिहास में पूछा जाए जाए चाहे जहाँ, बेरोजगारी शब्द का प्रयोग करने वाला दुनिया में पहला व्यक्ति, ऐसे बता दो साहब, रोजगार बेरोजगार वैश्यावृत्ति अर्थशास्त्र काफी चीजें थी जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पूछा है कि रोजगार और प्रश्न करके दिया था प्लस करके वैश्यावृत्ति, इन दो शब्दों का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला विद्वान कौन था, चाणक्य, ठीक, उसके अर्थशास्त्र में, हाँ उसकी एक किताब है अर्थशास्त्र, ठीक। तो अब अगर ये आयोग ने पूछा है तो सीधी सी बात है, मेंशन तो होगा जरूर, उसने दिया है, उसकी एक किताब है अर्थशास्त्र, उसी में पहली बार उसने बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किया था। और ये बात उस समय की है तो चंद्रगुप्त राजा हुआ तो जब उससे मिलने गया, जो उसने उल्लेख किया है चाणक्य ने, तो चंद्रगुप्त से मिलने गया तो उसने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, वहां से जाने लगा तो उसने कहा था जो तुम्हारे सरकार में या तुम्हारे शासन काल में काम पा जाए वो रोजगार, और जो बाहर है ये बेरोजगार है, यही कह के निकल गया था, तो वहां उसे नोट कर लिया गया था, एक चीज। दूसरा, वही जो वैसे व्यक्ति उसने बात कही, एक ऐसी महिला जिसको पति के बाद अतिरिक्त उसने भी कहा कि जो ऐसे संबंध रखे उसे क्या कहा जाएगा, वैश्या, और वह क्योंकि वैश्यावृत्ति, उसने डांट डांट करके 3-4 लिखा, रोजगार वैश्यावृत्ति, कई शब्दों का जन्म किसने दिया था, चाणक्य ने, ठीक, उसकी डेफिनेशन उसके बाद में बताएगा। कहा नाम उसका था अर्थशास्त्र से मैंने भी बताया, कूटनीति, कूटनीति शब्द का प्रयोग कौन किया सर्वप्रथम, चाणक्य ने। अरे भाई अगर पूछा जाए परीक्षा में कूटनीति शब्द होता है, इस शब्द के जन्मदाता कौन थे, चाणक्य, और कूटनीति का उदाहरण आपको दे चुके हैं सैकड़ों बार कि दो मित्र हो, एक मित्र की मोटरसाइकिल बेच डालो, ठीक है, बताया है ना, 50,000 की गाड़ी है, साथ में बैठो तीसरे आदमी को उठा दो, उसकी गाड़ी बेच दे, 50,000 की 40,000 बिकेगी, और ले आओ 50,000 रख लो 40,000, वो कहा मित्र आपको भी बाहर जाए कमरे से, कहते यार मेरी गाड़ी उठ गई, तुम मित्र काहे परेशान हो, हम तो हैं तुम्हारे साथ, जब तक तुम जीवित रहोगे मित्र तुम्हारा साथ देगा, हमारी तुम्हारी मित्रता वैसे जैसे कर्ण और दुर्योधन की थी, ये 20,000 हमसे रखो, अब 20,000 तुमसे पा जाएगा तो पूरे जीवन तुम्हारा एहसान मानेगा, फिर भी फायदा तुम्हारा हुआ नहीं, क्योंकि उसी की गाड़ी बेच कर 20,000 जेब में रख लिए और 20 उसी की गाड़ी का पैसा दे दिए, एहसान ऊपर से लाद दिए, इसको कहा जाता है कूट नीति। चाणक्य ने शब्द का प्रयोग किया था किसको, घनानंद को हराने के लिए, बात समझे कि नहीं, इतिहास में, क्योंकि घनानंद को हराने के लिए लंबी सेना की आवश्यकता थी, सेना किसके पास थी, सेल्यूकस निकेटर के पास, और उसकी पुत्री कौन थी, हेलेना, बस, और हेलेना एक ही शर्त पर इनकी रक्षा को क्या कहते सहायता करने की तैयार थी कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य उससे शादी करेगा तब वो संपूर्ण सेना को भेजेगी, तब इन्होंने कहा धर्म के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी से शादी नहीं की जा सकती, तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसने कहा, चंद्रगुप्त चाणक्य ने उसने क्या कहा है, तुमसे जैसा जैसे तुम हो ऐसे एक बहादुर पुत्र की उत्पत्ति चाहती है, उसने ये तो नहीं कहा ना कि पूरे जीवन रहना है, वो अंग्रेजन है, उसे शादी करो, पुत्र उत्पन्न करो और उसकी सेना लेके घनानंद को मार, उसको बाहर कर दो, काम खत्म, वो चली जाएगी स्वयं, क्योंकि उसके पास कल्चर नहीं है। तब उसने एक डेफिनेशन दिखाई, उसने कहा गुरु जी से कहें क्या, अरे कहती सी कूट नीति, अपना काम निकालो और जिंदगी भरो कही जाएगी किसके पुत्र का बाप कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बात समझे, ये सुझाव दिया था, यही उन्होंने फॉलो किया। और भी कहा जाता है संपूर्ण भारत में तो नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चक्रवर्ती राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, इतनी बड़ी सेना थी, हेलेना की सेना थी, तो शायद घनानंद को हरा भी ना पाए। ₹712 कहाँ किसने था, 912 में खबर किए, 12 था किसने था, है कोई, ठीक है, आप जवाना पे लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे उसको हम।
क्योंकि जो हमारे पास है किताब में 972 लिखा है, और अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो देखिए इस तरह कोई मिस्टेक हो, जैसे बच्ची ने उस दिन कहा चार, तो मैं दिन ने देखा था नवंबर 2004 में समित का रिकमेंड किया गया था अभी बिहारी के द्वारा और कार्य करना शुरू कर दी थी पाँच। अब इसे कितना बता रहे हो आप 912 में सुरेश तेंदुलकर। चलो ये इसका है, अब आगे हेडिंग डालो और किसी को समस्या बेरोजगारी, ठीक है बेरोजगारी हेडिंग डालो। बेरोजगारी में कई प्रकार की बेरोजगारियां होती हैं, बस मत अभी लिखना मत। एक तो होती है ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से, बात समझे, जैसे कि अब हम एमए कर लिए हैं, पीएचडी कर लेने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीए एमए कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, अब हम नौकरी अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं, ठीक है कि यार इतना पढ़े लिखे हैं लेकिन नहीं। अगर इस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो अपना लेवल आप भी कम कर दो, ठीक है। कुछ तो इस तरह की बेरोजगारियाँ होती हैं कि लोग के पास क्या कहते हैं ज्ञान तो रहता है लेकिन ज्ञान के आधार पर नहीं मिल पाता। एक होते हैं ऐच्छिक रूप से मनमानी, मन होगा तो करेंगे, इस तरह की 6 बेरोजगारियों की बात कही गई है फिलहाल अभी वर्तमान में। सबसे बड़ी जो उसमें बेरोजगारी है भारत में, जो उसका एक आधार है जिसे कहा जाता है प्रछन्न बेरोजगारी, ठीक प्रछन्न बेरोजगारी, इसे जो प्रश्न लिया जाता है प्रछन्न बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रछन्न मतलब जानते क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक एक ऐसा रोजगार इसमें छुपा हो। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण होता है किसान, इतने लोग बैठे हुए हो हर आदमी, हालांकि हो तो हरदोई के ही और एक दूसरे दूसरे जिले के होते तो अलग अलग बात होती कि किसी के यहाँ आलू होती है, किसी के यहाँ धान होता है, किसी के यहाँ गेहूँ, किसी के यहाँ मक्का, जो भी हो जाए। लेकिन कभी सोचो जैसे आपके यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का है, गन्ने का, गन्ना होता है आपके, गन्ना होता है। अब गन्ने की फसल है आप ही पे ले लो, 12 माह का समय लगेगा, सही है, एक वर्ष लग जाता है ना गन्ने को, गन्ना लाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए नारवली रख लो 2 बीघा, जो गरीब आदमी भी होगा 2 बीघा खेत तो होगा ही उसके, ठीक है अब देख लेंगे हम भी, बच्चे ने देखा है तो हो सकता है। देखो 12 माह सही बता रहे भैया, गन्ने की खेती 1 साल में होती है नहीं, 1 वर्ष में, ठीक 1 वर्ष। और छोटा आदमी कम से कम 2 बीघा तो खेत होगा ही उसके। अब आप लोग यहाँ रहने वाले हो, 2 बीघे में ये बताओ कि कितने कुंतल गन्ना निकलेगा, 150 कुंतल। और गन्ने का मूल्य क्या है, 350 रुपया प्रति कुंटल, 300 मान लो 150 से गुणा करो 45,000, कितना होगा 45,000 ना, छोटे 45,000 लिख लो। छोटा आदमी, छोटा सा परिवार की बहुत हाई लेवल में नहीं जाना चाहिए, कम से कम मम्मी पापा 2 भाई एक आध बहन तो होंगे ही, ये क्लियर है ना, कम से कम 5 लोग। जब गन्ना खरीदने गए तो पिताजी भी गए, और सीधी सी बात अगर पिताजी जाएंगे तो जो पुत्र होता है बड़ा या जो कार्य करने लायक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि पिता के कामों में हाथ बटाए, तो जाएगा भी। गन्ना खरीदना, गन्ने की कटाई करना, फिर खेत की जुताई करना, गन्ने को बोना, उसके बाद माताजी भी हमारी अगर चली गई, पानी अगर लगा है तो ऐसा नहीं कि पानी बह रहा है तो चली आएंगी, चुटिया जरूर देगी। पिताजी गन्ने के खेत में अगर बेचारे बैठे हैं, मान लो आजकल जानवर मवेशी टहल रहे हैं, तो माताजी जाएंगी। कुल मिलाकर कि घर का प्रत्येक इंसान उसमें इन्वॉल्व हुआ ना, दीदी भी, अरे बहन नदी क्या खाना लेकर नहीं जाएगी, कोई काम करेगा तो नहीं जाएगी, निराई होगी तो नहीं करेगी, तो छोटे परिवार में होता बड़े परिवार में नहीं करते, खेती किसानी वाले जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते सभी लोग काम करते हैं। घर का प्रत्येक आदमी 5 आदमी ले लिए, मम्मी पापा भाई बहन 5 लोग पूरे साल मेहनत किए, कितना पैसा पाए 45,000। अब 45 इसको 5 से भाग दे दो, एक आदमी किससे कितना है 9 बजे 45, एक आदमी साल भर कमाया तो कितना पैसा पाया 9,000 रुपया। काम कितने लोग का था, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग में काम था। अगर इनकम के अनुसार जोड़ा जाए तो
काम दो लोग का काम कितने लोग किए? पांच लोग। ठीक, तो ये बेरोजगारी नहीं हुई, लगे सभी लोग हैं इनकम कहीं नहीं है, इसी को कहा जाता प्रछन्न छुपी हुई बेरोजगारी। काम दो लोग का, मेरे गन्ने का उदाहरण दे देते, हम लोग क्या आलू बहुत होती है प्रतापगढ़ में, आंवला बहुत होता है। अब आलू की जिस दिन कटाई होने लगती है, हम बता रहे हैं रिश्तेदार के यहाँ, दीदी हमारी और हमारे चचेरे चाचा जी की बहनें हैं कुछ, सभी लोग को बुलाया जाता है क्योंकि कुंटल भर आलू आएगी और उसको काटना है जुताई करने के बाद। सब लोग ले कि चाकू पूरी रात डटे हैं घर भर, सुबेरे झुआ में ला दो ले जा करके। अब अगर बैल अगर बीमार, अब तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी आ गई है बुआई के लिए, पहले बैलों से हुआ करता था, दो जोड़ी बैल, हम छोटे थे दो जोड़ी बैल रहे तो नहीं काम बनता था, तो हम लोग एक लोग ऐसे हराम पकड़ के खींचते थे, दो लोग और बैल बन जाओ, मतलब घर के जितने आदमी सही सही के बैल, और अगर खुदाई के समय तो खुदाई होते घर ना जाओ, आलू वहीं उबाल लो वहीं खा लो। और कुल मिला के 2-2.5 लाख के आसपास ये आलू बिकता था, और परेशान पूरे घर से लेकर नाते रिश्तेदार तक सब। और उसी में अगर भगवान की कृपा हो गई, आलू का रेट गिर गया ना टप्पस है कि 2 रुपये किलो, तो पता लगा कि संध्या की तो दादा लोग हमको आलू गिरिया में नहीं है, बाबा हमें बहुत गिरियाते थे साला पूरी, ऐसे मतलब कहना नहीं चाहिए टीचर हैं, दुनिया की बात है, नहीं मेहनत करो 20 रुपये में 20 10 रुपये में जवान 8 रुपये में था बाबा जब थे, 8 रुपये में बिया ले किया और 2 रुपया में बेचो, अगली बार से खेती नहीं करेंगे। लेकिन नहीं करोगे तो करोगे क्या? तुम्हारे यहाँ खेती ही आलू प्रोडक्शन दर है, कितना गेहूँ बोलोगे? अब देखो धान की कंडीशन यही है ना, अभी तक किसान क्या कह रहा था, पानी नहीं बस बरस रहा है भैया, 4 दिन पहले इतना तेज पानी बरसा है कि 12 बंकी में आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला है, ये कंडीशन है। बादल तो नहीं फटा, लेकिन एक कह सकते हो कि बादल के जो छोटा सा क्लोन होता है वो फट गया, मतलब बहने के कगार में था 12 बंकी, धान वन सब बेकार। अब किसान मारा गया कि नहीं मारा गया? बेकार। और अगर यही अब भगवान ऐसे ऐसे इच्छा अपनी दृष्टि बनाए रखे, एक आध हफ्ता बनाए रहे तो सही है, और कहीं इसमें गांजे ना एक बार हो तो किसान पट रहा, काम खत्म, उसको कुछ नहीं मिलेगा, सड़ जाएगा। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग आप जानते हो, अगर पौधे के ऊपर पानी गया ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सड़ जाएगा, काम खत्म। और कितना है अभी तक एक बल से सिंचाई लगाई, कितना काम किया, इसीलिए तो वास्तव में सही बात है, मारा तो किसान ही जाता है। सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये प्रचंड बेरोजगारी थी इसमें कि छुपी हुई। भारत देश में एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं पॉइंट है, लेकिन किया क्या जा सकता है भाई, खेती किसानी कहेंगे सब बाबू जी तो है नहीं ना, तो सबको नौकरी मिली है, बात इतनी बड़ी हम भी कुछ भी कर लेंगे, काम तो खेत में करने करेंगे नहीं कमाएंगे। ठीक है, बेरोजगारी का और हेडिंग डाल लो, चलो एक पॉइंट लिख लो चाहे उसके बाद छोड़ दे। कितने बजे हैं घड़ी लगी है क्या? छोड़ दे कि चलो करें। और कोई समस्या है एक बात और, जो पढ़ाया जा रहा है मान लीजिए भाई, जितने भी चीज़ें हैं बताई जा रही, हम ही अकेले नहीं सर लोग भी हैं, उसको कायदे से पढ़ते रहो। परीक्षा तो अभी मान लीजिए लंबा समय है, लेकिन जो ATS वाला कह रहे देख लेना, जो शॉर्ट हैंड में मान लो सफल हो जाए, 300 सीटें बहुत होती हैं, पा जाओगे नौकरी। ठीक है, मंत्री के साथ चाहिए होगी बेरोजगारी सोशल सिक्योरिटी।